You are watching Poonch Live. आदम नाजिन, पूंछ में कल रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। वहीं आज पूंछ के नूरकोट की रहने वाली दो खुवातीन जब भितार दरिया को क्रॉस कर रही थी कि अचानक दरिया का पानी तेज हो गया, जिसमें दोनों खुवातीन बह गई। ये दोनों रिश्ते में चाची और भतीजी थी, जिनमें से भतीजी को लोकल्स ने बचा लिया था, लेकिन जो चाची थी उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिसको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें SDRF, CRPF, SOG और लोकल आवाम भी शामिल थी। वहीं मौके का जायजा लेते हुए SSP पूंछ रोहित बस्कोत्रा के साथ दीगर पुलिस के अफसरान भी शामिल थे। हमें लास्ट मिली इतला तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। इसी पर हमने बात की है DYSP ऑपरेशन एजाज अहमद से, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, देखिए पूंछ लाइव की इस रिपोर्ट में। आज ये लड़कियां जो हैं, जैसे सुनने में आया कि चाची भतीजी थी, तो ये बेताड़ का जो सेंटर वाला जो दगवार को टच कर रहा ब्रिज, उसके पीछे से ये इन्होंने दरिया को क्रॉस करने की कोशिश की। तो पीछे बारिश हुई, इनको अंदाज़ा नहीं था, और जैसे ही पानी ज़्यादा तेज़ आ गया तो एक तो बह गई, वो अभी तक मिली नहीं। एक को रेस्क्यू ऑपरेशन टीम जो थी और लोकल लोगों ने की मदद से उसको बचा लिया गया। तो जो बह गई है अभी, उसके लिए हमारी टीमें जो है वो नीचे दरिया तक, जहाँ मेन दरिया में जाकर ये बताड़ मिलती है, वहाँ तक टीमें फैली हुई हैं और अपना कोशिश में लगी हुई हैं कि कहीं से उसकी डेड बॉडी या वो जिंदा मिल जाए। तो हमारे बाला अफसरान भी इस वक्त के ऑपरेशन में शाना बशाना शामिल हैं। हम भी उन्हीं की गाइडलाइन पर, हमने भी एक इलाका पकड़ा हुआ है, नीचे SDRF की टीम भी अपने काम पर लगी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे मीडिया वाले भी कवर कर रहे हैं इस चीज़ को, और ख़ुद मैंने मीडिया वालों में वो जज्बा देखा, कुछ कहते हैं कि हम भी अगर ऐसा मौका आएगा तो हम भी दरिया में कूद कर जान बचाने की कोशिश करेंगे। तो यही जज्बा है अच्छा, जो हम टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जिस दुखी परिवार की इस वक्त ये एक बेटी चली गई है, या तो ये ज़िंदा मिल जाए, नहीं तो उसकी डेड बॉडी मिल जाए, तो वो भी उनके लिए एक आखिरी सहारा है।